नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बहाने नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार चोर दरवाजे से आई है, उसने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। चोर दरवाजे से जो आई हुई जो सरकार है, बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए। गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया होगा। मंत्री मुकेश सहनी मामले में बिहार सरकार बैकफुट पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को बुलाकर डांट पिलाई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। मंत्री मुकेश सहनी ने सीएम को भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार की भद्द पिटवा दी। हाजीपुर में सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई को भेजकर उन्होंने विपक्ष को एक मौका तो दिया ही, साथ ही बिहार को अपनी जागीर समझने की भूल कर बैठे। जब मामले का खुलासा हुआ तो उसके बाद मंत्री जी सदन के पहले सत्र से गायब रहे, ताकि विपक्ष के सवालों का सामना न करना पड़े। वहीं भोजन काल के बाद जब वे सदन पहुंचे तो मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन वे मीडिया के सामने से भाग निकले। पटना में जेडीयू कार्यालय में शनिवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के जेडीयू प्रभारी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बताया कि शिविर में सभी को सोशल मीडिया के गुर सिखाए जा रहे हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी, साथ ही कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह औरंगाबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार काफी प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत औरंगाबाद जिले में भी लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। वहाँ हम लोग डीएम को लेटर भिजवा रहे हैं कि एक बड़ा सा तालाब है, उसको भी खूबसूरत बनाने के लिए, और ऊपर पहाड़ी पे जो मंदिर है वहाँ तक जाने के लिए हम लोग रॉक ट्रैक वगैरह बनाएंगे अलग से, रॉक ट्रैक टाइप का जो भी हो सकता है, एक्चुअली हम लोग वहाँ जाके प्लान करेंगे। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगे हों, लेकिन उन्हीं के अधिकारी इस योजना को विफल बनाने में लगे हैं। मामला मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के नवगाई गांव का है, जहां विभागीय आदेशों के तहत इलाके में सैकड़ों पेड़ तो लगा दिए गए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आज ये पेड़ मरणासन हालत में आ गए हैं। दिख रहा है कहीं जल भी नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार में अगर जानिए तो इस सरकार में न कहीं जल दिख रहा है, न जीवन दिख रहा है, न हरियाली दिख रहा है। कहीं कहीं जल नजर आ रहा है, और जहां जल नजर आ रहा है न वहां जीवन है न हरियाली है। इस सरकार के ये सरकार जो है, ये जल नल योजना जो चलाई और हरियाली योजना जो चलाई, ये लूट का एक जरिया बना दिया। सारे पदाधिकारी, सारे नेतागण जो जदयू के हैं या गोपालगंज में चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस कांड में शामिल 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यही नहीं, जिन 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजे 2 के कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। आपको बता दें कि 2016 में गोपालगंज के नगर थाना के खजूरबानी में जहरीली शराब कांड में लगभग
डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, वहीं आधा दर्जन लोग अंधे हो गए थे। घटना के बाद थाना के सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। बाद में 12 जून 2020 को डीजीपी ने इस मामले में लापरवाही के आरोप में 21 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। एडीजे 2 साहब के कोर्ट ने जो महिला इसमें अभियुक्त है उन लोगों को उम्र कैद और इसके अलावा जो पुरुष अभियुक्त है उनको डेथ सेंटेंस सुनाया है। हम लोगों का कहना यह है कि जजमेंट जब हम लोगों को मिल जाता है उसको माइनूटली देखकर इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि ये इलीगल ऑर्डर हम लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि इस केस में डेथ का कोई ट्रायल नहीं चल रहा था, उसके लिए सेपरेट ट्रायल है और इसमें शराब को जिसमें सीज किया गया उस केस में। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसके बाद बिहार में शराब माफियाओं के अंदर दहशत पैदा होगा और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी का पालन होगा। लोगों को समझना चाहिए, बराबर करते हैं। शराबबंदी लागू की गई लोगों के हित में, और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी साल उस जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। और उस समय भी हमने जो कहा था, याद करिए कि देख लीजिए, शराब पीजिएगा जहरीला मिलेगा और मृत्यु के शिकार होइएगा। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करिए, और जब शराबबंदी हुई है लोगों के हित में हुई है, और जब पूरे बिहार की महिलाओं की मांग थी, युवाओं का, युवतियों का, सबकी इच्छा थी, और जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में कितनी परेशानी होती थी महिलाओं की और बच्चों की, तो उस स्थिति में जो कुछ भी हुआ, कैसी स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शिकायत करते थे, और आप जानते हैं जब हम लोग लगातार अभियान कर रहे थे तो एक महिला ने अपनी बात कही थी जो हम बराबर कर। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के भोपतपुर नए कटोला में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में एक छापामारी करते हुए एक गाड़ी पर लदे एक ड्रम स्प्रिट सहित भारी मात्रा में शराब पैकिंग का सामान जब्त किया गया। जब्त गाड़ी आरजेडी नेता की बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक अवनीश प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना पर एसआईटी का गठन कर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मौके से 2 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार कारोबारियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि स्प्रिट कट रहा है भोपतपुर बजिया में, वहीं पर जब छापेमारी की गई मनीष शराब पीते द्वारा, तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक विनोद यादव और एक नीरज सिंह है। विनोद यादव को पूर्व में भी, गोपालगंज जिले में भी और स्थानीय थाने में भी कई स्प्रिट का मामला दर्ज है। उस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज किया जा रहा था। और लातेहार जिले के फुलबसिया स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। गनीमत ये रही कि रेलवे कर्मियों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए इंजन से कोयला लदी बोरियों को अलग कर लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि आग लगने से ज्यादा नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है।